हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में एक सन्निकट आपका काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन बनता है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन के नाम पे बिल्कुल धब्बा टाइप का है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन और किसी भी टॉपिक का नहीं हो सकता जितना सन्निकट का होता है। तो देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, एक नंबर अपना कन्फर्म कर लीजिए। जैसे देखो, कोई भी नंबर दिया गया 5, 6, 7, 8, 9, ये हमको नंबर दिया, ठीक है। पूछ रहा है कि कह और बोल दिया कि दहाई के अंक तक सन्निकट मान बताइए, ठीक है। को दहाई तक सन्निकट मान बताइए, का दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ टेंथ प्लेस, ठीक है। तो टेंथ प्लेस तक पूछ रहा है, यानी दहाई तक पूछ रहा है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे इकाई दहाई गिनते हुए दहाई के अंक को देखेंगे, यानी वंस टेंस करते हुए टेंस की डिजिट को देखेंगे। तो वंस टेंस यानी दहाई का अंक हमारा यही है, ठीक है, यही है दहाई का अंक। अगर दहाई का अंक 5 से ज़्यादा है, अगर दहाई का अंक क्या है 5 से ज़्यादा है, तो उसके आगे दहाई के बाद क्या आएगा, सैकड़ा। सैकड़ा वाली अंक में एक जोड़ दिया जाएगा, यानी 100 में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हमारा टेंस पे, टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है, टेंस प्लेस की डिजिट है, वो अगर 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 100 में एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई जोड़ लेते हैं, कितना है, 5, 6, 7 है। अब ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हमने कहा जब 5 से ज़्यादा हो तो उसके जस्ट पहले वाले में एक जोड़ लिया जाता है, तो 7 है, कितना हो जाएगा, 8। और उसके बाद बाकी रिमेन टर्म को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जहाँ से पूछा है, दहाई तक का पूछा है ना, तो दहाई के बाद, दहाई से लेकर उसके बाद की सारी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, 0। तो ये आपका आंसर हो गया। सन्निकट के मान पर क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, सन्निकट के मान पर कभी कभी थोड़ा सा दशमलव में करके पूछता है, ठीक है। तो दशमलव वाला भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो यही है नंबर और इसमें बोल दे दहाई की जगह सैकड़ा, ठीक है, या 100 का, ठीक है। तो सैकड़े के लिए क्या करेंगे, वंस टेंस 100, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा ही आ रहा। इसी को देखेंगे, इसको देखेंगे, ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, यानी 5 से ग्रेटर है। तो 5 से जब ज़्यादा होता है तो इसके जस्ट पहले जो संख्या होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 6 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद सारी डिजिट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सैकड़े तक का अप्रॉक्सीमेशन आ गया, ठीक है, या 100 तक का अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। क्लियर हुआ, चलो अब देखो, जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको देख लो, उसको कैसे पूछता है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया 9.8 × 3.25 × 4.75 × 11.9 × 14.15.3, ठीक है। इस तरीके से कोई वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका अप्रॉक्स मान बताओ, इसका अप्रॉक्स मान बताइए, तो इसका अप्रॉक्स मान क्या होगा, ये देखो 9.8 लगभग लगभग आपके किसके करीब है, हमने कहा दशमलव के बाद जो भी डिजिट है उसको देखो ध्यान से, ये क्या है, 5 से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा एक तो आगे जुड़ जाएगा, तो ये लगभग 10 के बराबर है, यानी अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ही होता है लगभग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ही है क्या, लगभग, यानी उससे के बिल्कुल पास की संख्या हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन में। यहाँ देखें, ये क्या है, लगभग 3 ही है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, 4 ले जाएंगे तो बहुत दूर है 4, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गया, ये भैया ये लगभग 5 के बराबर है, तो इसको लगभग 5 कर दो, बटे ये आपका लगभग 12, ये
तो पाँच तिहाई 15 यही कैंसिल हो गया, और 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो आपकी वैल्यू कितनी आई 5/6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेशन 5/6। कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से अपन समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे ये वैल्यू है, हमें इन सब का क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है, यानी इसका अप्रोक्स मान बताना है। ठीक है, तो अप्रोक्स मान बताने के लिए अप्रोक्स का मतलब ही होता है क्या, लगभग। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू लगभग किसके बराबर है। तो ये वैल्यू हमारी लगभग किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, ये वैल्यू हमारी लगभग किसके बराबर है भाई, 0.25 का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को 4 पार्ट में तोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका 0.25 हो गया, 0.25, 0.25, 0.25, या 0.5 को 1/4 भी लिखते हैं। तो अब बताओ 1/4 आपका ज़्यादा है या 3/4, 3/4 ज़्यादा है ना, तो यानी इसका जो अप्रॉक्सीमेशन मान होगा, यानी इसका जो लगभग मान होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। कैसे, हमने ये भी आपको एक रूल अभी अभी बताया कि जब भी हमें लगभग मान निकालना हो, अप्रॉक्सीमेशन मान निकालना हो, तो 0 के बाद वाली डिजिट को देखो, ये क्या है, अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तब हम आगे एक जोड़ते हैं। ठीक है, तब हम आगे एक जोड़ते हैं, लेकिन अगर 5 से कम है तो हम सीधे सीधे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हमारी 5 से कम है, तो इसको सीधे सीधे छोड़ दो। तो इसको सीधे सीधे जब हम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ये वैल्यू देखो 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा है तो आगे एक जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक बिल्कुल 5 वाला एग्जांपल लेके देखते हैं उसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आगे देखो। अब देखो, जैसे मान लो हमने एक नंबर ले लिया 5.6 × 4.5 × 9.59 / 2.56 × 1.5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका अप्रॉक्सीमेशन मान कितना होगा, इसका लगभग मान कितना हो जाएगा, 6। क्यों 6, क्योंकि ये 0 के बाद की संख्या जो है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम एक इसमें जोड़ लेंगे। यहाँ पर भी देखो इसका अप्रॉक्सीमेशन मान 0 के बाद जो संख्या है, अगर वो संख्या हमारी 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, तो आगे वाली डिजिट में हम एक जोड़ लेते हैं। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन मान कितना हो जाएगा, 5। इसका अप्रॉक्सीमेशन मान कितना हो जाएगा, 10। इसका अप्रॉक्सीमेशन मान कितना हो जाएगा, 3। इसका 2। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, 6 × 5 × 10 / 3 × 2। तो 3 × 2 = 6। ठीक है, कितना आ गया, 50। इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कितनी आई, 50। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन जो है सीटेट के या यूपीटेट के पेपर में बनते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, फ्रैक्शन को कैसे माइनस किया जाता है, फ्रैक्शन को कैसे हम गुणा करेंगे या इंटू करेंगे या कैसे उसको डिवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी ये भी है। बिल्कुल देखिए, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता, कोई संख्या अगर हमारी a/b यानी p/q के रूप में अगर लिखी है, कोई भी नंबर अगर हमारा p/q के रूप में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पर q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका एडिशन देखते हैं, इसको जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, एडिशन यानी कि जोड़ना, तो देखिए भाई कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये कई सारे फ्रैक्शन दे दिए जाएं, 6/7 + 3/9 + 2/21 + 5/3, तो इन सबको अगर आपको जोड़ना हो,
तो देखो आपके फ्रैक्शन यानी भिन्न तभी जुड़ते हैं जब फ्रैक्शन का हर, हर का मतलब ये नीचे जो लिखा है ये सब सेम हो, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर गुणा की बात आएगी तो गुणा आपका हो जाएगा, भाग भी आपका हो जाएगा, उसमें आपको हर को बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए यानी एडिशन और सबस्ट्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हम पढ़ते आए हैं, एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो भी संख्याएं हैं उनमें से कोई एक ऐसी संख्या ली जाती है, ठीक है, इनमें से किसी भी एक कोई एक संख्या ऐसी होगी जो सभी से कट जाएगी या इन्हीं संख्याओं का एक मल्टीपल होगा, ठीक है। तो लासा निकालने का देखिए एक आसान तरीका और भी बता देते हैं, कितने का लासा लेना है, 7, 9, 21 और 3 का। तो सबसे पहले इन संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संख्या से काटते हैं कि जिससे ये मैक्सिमम संख्याएं कट जाएं। तो 7 से केवल एक ही कटेगा, लेकिन 3 से देखें तो ये तीनों कट रहे हैं, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं। 7 नहीं कटेगा, वैसे ही लिख लो, ये आपका कट जाएगा, 3 आ गया, ये आपका 7 टाइम्स कटेगा, ये आपका 1, ठीक है। अब 7 से काट लो, क्योंकि दो संख्याएं आपकी कट रही हैं, ये 1 बार जाएगा, ये नहीं कटेगा ऐसे ही रहेगा, ये 1 बार जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर ये आपकी संख्या किसी संख्या से कट रही है, कितने से कट रही है, 3 से कट रही है, 3 से काट लो, 1, 1, 1, 1, ठीक है, पूरी संख्याएं आपकी कट गई। तो जो आपका आया है इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 7 × 21 तिया कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 63, एलसीएम कितना हो गया, 63, ठीक है। चलो अलग अलग करते हैं, ठीक है, एक साथ मत लिखो, अलग अलग अभी लिखो। तो देखो भाई यहाँ 7 की जगह पे जब हम 63 लिखेंगे तो 7 का कितना गुना हो गया, 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63 यानी 9 गुना, कितना गुना है, 9 गुना। तो ऊपर भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से, तो ऊपर भी जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 प्लस, इस पे देखते हैं, इसका 63 हुआ, कितना गुना है, 9 × 7 = 63, 7 गुना है, तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से, तो 7 × 21 प्लस, इसका 63 कितना गुना है, 3 गुना है, इसका 63 3 गुना, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 × 2 = 6 प्लस, इसका देख रहे हैं तो कितना गुना है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ा, 63, तो इसका कितना गुना है, 21 गुना, तो ऊपर भी 21 से गुणा करेंगे, 21 × 5 कितना हो जाएगा, 110, ठीक है, 21 × 5 = 110, ठीक। अब देखो हर सबका बराबर हो गया तो अंश को आपस में जोड़ लिया जाता है, जब हर यानी डिनोमिनेटर सभी का सेम होता है तो नॉमिनेटर को अपने आप जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 63, ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया, इसको इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, 6 × 7 = 11 1 × 2 = 3 3 × 5 = 8 8 × 1 = 9, ठीक है। उसके बाद केवल बच रहा है 1, तो 191/63 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 191/63 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम भिन्नों को क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। अगर बात करें सबस्ट्रैक्ट की, यानी अगर हमें भिन्नों को घटाना हो, ठीक है, यहाँ बीच में क्या हो, प्लस की जगह अगर हम माइनस साइन लगा दें तो भी सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल इसी तरीके से हमें करनी है जैसा कि यहाँ हमने किया। ठीक है, अगर हमें भिन्नों को घटाना हो तो प्लस की जगह अगर हम माइनस कर दें तो सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। तो देखो फिर आंसर क्या आता घटाने पर, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां हम क्या कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। तो प्लस करो या माइनस करो, हर हाल में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर को हमने बराबर कर लिया। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 54 में से 21 घटेगा, ये आपका आ जाएगा
33, ठीक है, 33 में से फिर 6 घटाओ, 33 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 33 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा आपका 27, ठीक है। फिर भाई 27 प्लस का आ रहा है, फिर 27 में से 110 घटाओ, तो 27 तो छोटा है उसमें से 110 घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 110 में से 27 घटा देते हैं और साइन जो है हमेशा क्या करेंगे बड़े वाले का लगा दिया जाएगा। 3, 7 और ठीक है ये आ गया, ये इसको कैरी दे देगा ना, तो या नहीं नहीं कैरी नहीं देगा, एक सेकंड ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है 3 आ गया, यहाँ पे 0 बचा, अब ये इसको कैरी देगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0। साइन कौन है बड़े का, बड़ा कौन है 110 बड़ा है और आपका 54 छोटा है, तो इसको हम माइनस लगा लेते, तो आंसर आपका कितना आ गया 87/63, ठीक है 87/63, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं गुणा किस तरीके से भिन्नों को हम करेंगे किस, ठीक है गुणा देखो मल्टीप्लिकेशन, जैसे दो भिन्नें हमको दी हुई हैं, ठीक है 7/21 दिया है और दूसरा जो है दे दिया है 42/3, ये दो भिन्नें हमको दी हुई हैं, तो इसको हम किस तरीके से गुणा करेंगे, 7/21 था, ठीक है तो इस तरीके से भिन्नें हैं, तो गुणा करने के लिए नॉर्मली हर का हर में और अंश का अंश में, यानी नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है 21 और 3, नॉमिनेटर कितना है 7/42, सीधे सीधे गुणा कर लो, ठीक है 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42, ठीक है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना आ गया 7 × 2 = 14/3, ठीक है। तो जब भी हम गुणा करेंगे तो गुणा बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है, अंश का अंश में और हर का हर में, यानी नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से गुणा कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं, जो आता है वो आंसर हो जाता है, ठीक। डिवीजन का देखो भाग किस तरीके से करते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन को क्या करना हो डिवाइड करना हो भाग, ठीक है यानी कि डिवीजन, जैसे यही फ्रैक्शन लिखा हुआ 7/21, इसको भाग करना किस फ्रैक्शन से 42/3 से, तो जब भी हम डिवीजन करते हैं यानी भाग करते हैं, तो भाग करने का मतलब क्या हो जाएगा 7/21 में भाग कर रहे हैं किससे 42/3 से, तो अब ये क्या होता है जब किसी भी भिन्न को यानी किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन से हम भाग करते हैं, तो इसको उलट देते हैं जिससे भाग दिया जा रहा है, ये फ्रैक्शन आपका उलट जाता है, ठीक है उलट जाने का मतलब कि जो इसका हर है वो अंश हो जाता, अंश हर, जैसे उलटने का मतलब है ये आपका 42/3 है, तो उलटने का मतलब है ये 3/42 हो जाता है, ठीक है तो उलट के इसमें गुणा कर देते हैं, तो उलट लो भाई, अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो उलट कितना हो जाएगा 3/42, ठीक है अब जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, गुणा तो हम लोग जानते हैं कैसे होगा हर का हर में और अंश का अंश में, तो 7 × 6 = 42 और 3 × 2 = 6 = 21 / 42, 1/42 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो भिन्नों पर बेस जो है क्वेश्चन इसी तरीके से हमको सॉल्व करने होते हैं, ये आपका बेस था, तो अब चाहे जो है दशमलव में दे या किसी भी संख्या में, अगर दशमलव में देता है तो अप्रॉक्सीमेशन उसमें अप्लाई करके उसके बाद हम ये सारी प्रक्रिया करेंगे, ठीक है तो अगर ये चीज़ें दशमलव में आ जाती हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे यानी सन्निकट मान निकालेंगे और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोग के पास प्रैक्टिस सेट होगा या बुक होगा तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा,